साथियों, भारत में कला को, रस और रंगों को जीवन का पर्याय, सिनोनिम ऑफ लाइफ माना गया है। हमारे पूर्वजों ने तो यहां तक कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पृच्छ विषाणहीन, अर्थात मनुष्य और दूसरे जीव जंतुओं में साहित्य संगीत और कला का ही मुख्य अंतर है। यानी सोने जागने और पेट भरने की आदतें अपनी स्वाभाविक होती है, लेकिन ये कला साहित्य और संगीत ही है जो मनुष्य के जीवन में रस घोलते हैं, उसे खास बनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जीवन की अलग अलग जरूरतों को, अलग अलग दायित्वों को चतुशास्त्र कला 64 आर्ट्स के उसे जोड़ा गया है। जैसे कि गीत संगीत के लिए वाद्य, नृत्य और गायन कलाएं हैं, इनमें भी वॉटर वेव्स आदि पर आधारित उदक वाद्यम यानी जलवाद्य जैसी स्पेसिफिक आर्ट्स भी हैं। हमारे यहाँ कितनी तरह के सेंट्स या परफ्यूम बनाने के लिए गंध युक्त ही कला है, मीनाकारी और नकाशी के लिए तक्षकर्म कला सिखाई जाती है, कढ़ाई बुनाई के सौंदर्य की बारीकियों को सिखाने के लिए सूचीवान कर्माणी कला है। हमारे यहाँ ये सब काम कितने परफेक्शन के साथ किए जाते थे, इसका तो अंदाजा आप भारत में बनने वाले प्राचीन वस्त्रों से लगा सकते हैं। कहा जाता था कि कपड़े का पूरा थान मलमल ऐसा बनता था कि एक अंगूठी में से उसको पार किया जा सकता था, यानी ये सामर्थ्य था। भारत में नक्काशी मीनाकारी जैसे काम भी केवल सजावट की चीजों तक सीमित नहीं थे, बल्कि तलवारों, ढालों, भालों जैसी युद्ध की चीजों पर भी अद्भुत कलाकारी देखने को मिलती थी। इतना ही नहीं, अगर कोई, मैं तो चाहूंगा कभी इस थीम पर कोई सोचे, हमारे यहाँ पशुओं के आभूषण, घोड़े पर अपना डॉग रखते हैं तो उस पर बैल होते थे, गाय होते, उस पर जो आभूषण में जो विविधताएं थी, कला थी, यानी अपने आप अजूबा है। और कितना परफेक्शन था कि उस पशु को फिजिकली तकलीफ ना हो, इसकी पूरी केयर करके बनाया जाता था। यानी अगर इन चीजों को समाहित करके देखें तब पता चलता है कि कितना सामर्थ्य इसमें भरा हुआ है। साथियों, ऐसी कितनी आर्ट्स हमारे देश में रही है, और यही भारत का प्राचीन इतिहास रहा है, और आज भी भारत के कोने कोने में इसके निशान हमें मिलते हैं। मैं तो जिस शहर का सांसद हूँ वो काशी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। काशी को अविनाशी कहते हैं क्योंकि काशी गंगा के साथ साथ साहित्य, संगीत और कलाओं के अमर प्रवाह की धरती है। आध्यात्मिक तौर पर कलाओं के जन्मदाता माने जाने वाले भगवान शिव को काशी ने अपने हृदय में स्थापित किया है। ये कलाएं, ये शिल्प और संस्कृति मानवीय सभ्यता के लिए ऊर्जा प्रवाह की तरह है, और ऊर्जा अमर होती है, चेतना अविनाशी होती है, इसीलिए काशी भी अविनाशी है। फ्रेंड्स, भारत के इस कल्चर को देखने के लिए दुनिया भर से जो लोग आते हैं उनके लिए कुछ महीने पहले हमने एक नई शुरुआत की थी। हमने गंगा विलास क्रूज चलाया था जो काशी से असम तक गंगा के अंदर प्रवास करते हुए यात्रियों को लेकर गया था।
इसमें दुनिया के अनेक टूरिस्ट आए थे, करीब 45-50 दिन का वो कार्यक्रम था। एक ही यात्रा में उन्हें गंगा के किनारे बसे कितने ही शहरों और गांवों और इलाकों का अनुभव प्राप्त हुआ और हमारा मानव संस्कृति का विकास भी नदी के तटों पे हुआ है। अगर एक बार नदी के तट की कोई यात्रा करता है तो जीवन की गहराई को जानने के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है, और इसी एक विचार में से ये गंगा क्रूज को हमने शुरू किया था।